वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप बिजली का कनेक्शन कैसे बंद करा सकते हैं, कैसे कटवा सकते हैं, और उसे पीडी बोलते हैं, परमानेंट डिसकनेक्शन आप कैसे करा सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी खुद भी, और मुझे किसी भी वीडियो में कोई उचित जानकारी नहीं मिली। तो मेरा खुद का बिजली कनेक्शन है जो मैंने बंद कराया है, उस वीडियो में मतलब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है, क्या क्या आपको करना होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए मैंने फोल्डर बना के रखा है बिजली का, और ये सब लगभग 13-14 फाइलें हैं जो मैंने किए हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना जो बिजली कनेक्शन पर बकाया बिल है वो आपको पैड कर देना। देखिए मैंने थोड़ी सी जानकारी है हाइड कर दी, क्योंकि जरूरी होता है सब जानकारी को छुपाना। सबसे पहले आपको अपना बिजली कनेक्शन का जो बकाया बिल है वो सारा भुगतान कर देना है। भुगतान करने के बाद आपको आपके तहसील या कचहरी में जा सकते हैं, वहां से आपको 10 रुपये का स्टाम्प बनेगा, और उनसे कहना कि सर मुझे बिजली का कनेक्शन बंद कराना है, उसके लिए स्टाम्प देना है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चाहिएगा। मैंने यहाँ पीडीएफ खोल लिए। सबसे पहले बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल जो है कभी कभी होता क्या है कि 2-3 दिन लग जाते हैं अपडेट होने में, तो आप बिजली का बिल जमा करें। जमा करने के बाद आपको कचहरी जाना है। कचहरी जाने के बाद आपको एक ये एप्लीकेशन टाइप करा लेनी है। इस एप्लीकेशन को आप हाथ से भी टाइप कर सकते हो, मैंने बता दिया है। और एप्लीकेशन जो है आपको जो आपका ऑफिस है जहाँ पर बिजली कनेक्शन बंद होने के जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर होगा, कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अमरोहा। ये कनेक्शन जो बंद कराया मैंने अमरोहा उत्तर प्रदेश में बंद कराया, तो यहाँ इस ऑफिस में सारा प्रोसेस इसका होता है। पर आपको कचहरी पहुँचना है। कचहरी पहुँचने के बाद तहसील कचहरी जो भी है, जाने के बाद यह आपको वहाँ से एप्लीकेशन बना लेनी है, आपके नीचे डिटेल रह जाएगी पूरी। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं, उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, और आपको इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। सेकेंड स्टेप पर आपको 10 रुपये का स्टाम्प लेना है। स्टाम्प लेने के बाद भी मतलब ये सब आपका वह खुद ही तैयार कर देंगे। टाइपिस्ट जो होते हैं उनसे कहना है कि सर मुझे कनेक्शन बंद कराना है, और उस कनेक्शन में ये एप्लीकेशन ले जाएगी, आवेदक का नाम आ जाएगा, और मैं पूर्व शपथ पर बयान करता हूँ तो नीचे इनके बयान आ जाएंगे इस तरीके से कि साहब मेरा कनेक्शन चल रहा था और मैं इसे बंद कराना चाहता हूँ। ये एप्लीकेशन लेने के बाद इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, और आपकी एक आईडी लग जाएगी उसमें, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो भी मैंने दिखाया आपको, इस ऑफिस में पहुंचना है। तो फिर से दिखा देता हूँ, आपको इस ऑफिस में पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स में आपका बिजली का बिल जमा हुआ हुआ, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन, 10 रुपये का स्टाम्प लेने के बाद आपको इस ऑफिस में पहुंचना है। ऑफिस में पहुंचने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर एक मोहर लगा के मतलब मोहर लगा देंगे और आदेश कर देंगे जेई को, जो आपका बिजली घर है वहां को आदेश कर देंगे कि यह आवेदक जो है कनेक्शन बंद कराने के लिए हमारे पास आया है, इनकी जो है जानकारी या मतलब जांच करके दे। इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर स्टैंप लगेगी, तो थोड़ी सी धुंधली हो गई है। स्टैंप लगने के बाद यही सेम आवेदन आपको जो है मतलब स्टैंप लगा दी जाएगी। फिर आपको बिजली घर पहुंचना है। बिजली घर पहुंचने के बाद कहना है कि सर मुझे बिजली कनेक्शन बंद कराना है, और वहां से डॉक्यूमेंट्स लिए। तो वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने अब तक दिखा दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिजली घर में जमा हो जाएंगे, और फिर बिजली घर से कोई भी जेई आ सकते हैं, या उनके कोई भी सहयोगी, कार्य सहयोगी आपके यहाँ आ सकते हैं, देखेंगे कि आपका बिजली कनेक्शन आप क्यों बंद करा रहे हो। अगर आपकी शॉप है तो आपने शॉप बंद करा दी है या चल रही है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, वगैरह वगैरह जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट इस पर लगा देंगे। रिपोर्ट लगाने के बाद आपके पास बिजली घर से फोन आ जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट से तैयार है आप ले जा सकते हो। इसमें 1-2 दिन का समय भी लग सकता है, हो सकता है कि साथों साथ ही काम हो जाए। फिर जब वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी मतलब इस पर लग जाएगी स्टाम्प पर, फिर आपको बिजली घर पहुंचना है। बिजली घर नहीं, जो मैंने अभी ऑफिस दिखाया, फिर से आपको इस ऑफिस आना है। बार बार आपको इसी ऑफिस आना पड़ेगा। इस ऑफिस आने के बाद कहना है कि सर मैंने बिजली कनेक्शन के लिए बताया था, और जय साहब ने अपनी रिपोर्ट इस पर लगा करके मुझे दे दी है। फिर आपको वहां पहुंचेंगे तो ये 354 रुपये की रसीद मेरी कटी थी। अमाउंट देखिए यहाँ पर आ रहा है, 354 रुपये की मेरी रसीद कटी थी। और इस रसीद को कटने के बाद वहां से आपको एक लेटर मिलेगा। ये लेटर वहां से जारी हो जाएगा कि मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी है कि साहब ये कनेक्शन बंद कराने के लिए आए थे स्वेच्छा से, और संयोजन का पीडी हेतु आवेदन किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है। आगे चलते हैं। अतः उपभोक्ता के संयोजन का मीटर उतार कर सीलिंग रिपोर्ट खंड कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि पीडी
फाइनल की अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। ये उनके साइन थे, मैंने ऐड कर दिए हैं, और ये इनका लेटर रह गया, और इन इन लोगों को उन्होंने लेटर भेजा था। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद आपका जो मीटर उतरने की प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए उसमें मैंने बता दिया कि आपका मीटर उतरेगा। मीटर उतारने आपके पास 2 दिन 4 दिन 10 दिन में कभी भी आ सकते हैं, या फिर आप उनसे संपर्क करने के साथ मेरा मीटर उतरना था, अभी तक मीटर नहीं उतरा है, तो आपको बता देंगे कि कब मीटर उतरेगा, या फिर हो सकता है कि वो आपसे मीटर भी मंगवा सकते हैं। मीटर आपका उतर जाने के बाद आपको ये सीलिंग रिपोर्ट मिल जाएगी कि कस्टमर का, आवेदक का, हमने मीटर जो है जमा कर लिया है, और उस पर कारण लिखा है उन्होंने। देखिए यहाँ पर कारण आ रहा है, उपभोक्ता आदेश अनुसार संयोजन का मीटर स्थायी विच्छेदन हेतु उतारा गया है, इस तरीके से ये इस पर लिख करके दे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स मीटर आपका मीटर उतर जाएगा, फिर से आपको किसी ऑफिस पहुंचना है, कहना है कि सर मेरा मीटर उतर गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां से आपको बताया जाएगा कि फिर से आपको आपके जो बिजली घर है, जो आपका फीटर है, वहां पर जाना है। वहां से जय साहब द्वारा एक फॉर्म मिलेगा, शायद 33 या 35 नंबर का फॉर्म कहते हैं, तो वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कार्यालय उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड, इस तरीके से आपको एक लेटर मिलेगा, इसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी। लेटर जो है किस दिनांक को जारी हुआ वो भी इसमें रहेगा, सब कुछ आ जाएगा, और विच्छेदन का कारण रहेगा ऑन रिक्वेस्ट कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की कहने पर जो है कनेक्शन बंद की प्रक्रिया आगे की जाएगी। ये आपको वहां से स्लिप मिल जाएगी। स्लिप लेने के बाद इसमें जो है जैसे आपके अमर अभियंता जो है यहाँ के साइन होकर के मिल जाएगा, और फिर इस स्लिप को लेकर के आपको पहुंचना है एसडीओ ऑफिस। एसडीओ ऑफिस हो सकता है कि साथ साथ ही हो या अलग अलग भी हो सकते हैं, वहां पर आपको जाना है, उनसे कहना है कि सर ये जो है जैसे आपके आदेश हो गए हैं, मुझे अपना कनेक्शन बंद कराना है, और मुझे जो है फाइनल मतलब अग्रिम कार्रवाई मेरी कर दीजिए। तो वहाँ आपका ये आवेदन, ये जो फॉर्म है आपका जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद वो कह देंगे कि आपका जी चले जाइए यहाँ से, आपका फॉर्म जो है इस ऑफिस को बाय डाक द्वारा पहुंच जाएगा। मतलब ये जो डाक प्रक्रिया होती है इनके अंदर, हर ऑफिस में डाक प्रक्रिया होती है, वो स्पीड पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाक ऑफिस की, इनके अंदर भी एक डाक प्रोसेस होता है, ये एक दूसरे को लेटर भेजते रहते हैं, तो यहाँ पर वो रिसीव होगा। तो इस तरीके से वो लेटर बनेगा, लेटर में सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, अवर अभियंता के साइन थे, यहाँ पर एसडीओ साहब की मोहर और उनकी जानकारी जो भी है यहाँ पर लग जाएगी, और उनके यहाँ पर उपखंड अधिकारी के साइन हो जाएंगे, जो कि मैंने हाइड कर दिए हैं। यह सब होने के बाद आपका मीटर उतर चुका है, फिर आपको जब यह लेटर आपका इस ऑफिस में आ जाएगा, इस ऑफिस में आपका लेटर आ जाएगा, तो वहां से आप 2 4 दिन बाद, 10 5 दिन बाद संपर्क करेंगे कि साहब बिजली कनेक्शन बंद कराने की प्रोसेस चल रहा था, मेरा नाम यह है, और मैंने जो है एसडीओ साहब के यहाँ वो आवेदन जमा कर दिया था या फॉर्म जमा कर दिया था, वो आपके यहाँ रिसीव हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको मैनुअली या बाय हैंड मिल जाए, तो वो कहेंगे जी आपका फॉर्म, ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला 35 नंबर, जो 33 नंबर जो भी है, ये आपका फॉर्म रिसीव हो गया है, अब आप मीटर का जो है सीलिंग रिपोर्ट ले आओ। मीटर की सीलिंग रिपोर्ट मतलब आपका जो मीटर वहां पर ऑफिस में जमा हुआ था, जिस ऑफिस में, वहां पर जो है उसका टेस्टिंग की जाती है, लैब टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, लैब टेस्टिंग होने के बाद वहां से पता चलता है कि कितना लोड चल रहा था, कितना उसमें यूनिट है, बकाया बिल कितना निकलेगा वगैरह वगैरह करके वो आपकी एक रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट लगभग उसी जो स्लिप आपकी मिलती है, उनके पास एक कॉपी रहती है, उसी पर वो रिपोर्ट चढ़ा करके दे देते हैं। वो रिपोर्ट देखिए यहाँ पर मैंने ग्रीन टिक से मार्क कर दिया, यहाँ पर उनकी रिपोर्ट चढ़ती है। वो रिपोर्ट होने के बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा, फिर यही फॉर्म लेकर के आपको फिर से इसी ऑफिस पहुंचना है। इसी ऑफिस पहुंचने के बाद उनसे कहना है कि मेरा जो मीटर की सीलिंग भी मिल गई है, और जो एसडीओ साहब का लेटर भी आपके यहाँ आ गया है, और अब मेरा जो है कनेक्शन बंद कर दिया जाए। तो आपसे कह देंगे कि आपको 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद आना है, और आपको आपके ऊपर जो बकाया बिल है उसकी जाँच करने के बाद, और आपका जो लास्ट फाइनल जो लेटर रहता है, वो आपको ये लेटर मिल जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है वाणिज्य संयोजन संख्या, बुक संख्या इतना, उपभोक्ता श्री इतना, और उस नीति के साथ संयोजन अभियंता के आधार पर स्थायी विच्छेदन के लिए दिनांक इतने को आवेदन किया था, और इनका विच्छेदन कर दिया गया, इन पर बकाया राशि ये है। आपको फाइनल जो लेटर मिलता है वो ये लेटर मिलता है, इसके बाद आपका कोई भी लेटर नहीं मिलता है। तो देखिए मैंने बिजली कनेक्शन बंद कराने का सारा प्रोसेस आपको बता दिया है, और बहुत अच्छे से बता दिया। ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पर मुझे नहीं मिली, हो सकता पड़ी हो या मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं। तो इस प्रोसेस से आप बिजली कनेक्शन अपना बंद करा सकते हैं। इन इन डॉक्यूमेंट्स को आपकी आपको जरूरत पड़ती है। अगर इसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप अपने चैनल पर कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।